अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। अर्तुरुल इब्न सुलेमान, क्या तुम्हें हलीमा बिनत नौमान मुअय्यन शुदा महर के साथ अपनी ज़ौजियत में कबूल है? कबूल है, आपकी अमानत आपके हवाले करना बाकी है। वो अब हमारी अमानत नहीं रही, साहिब अमानत तक पहुंच गई है अल्हम्दुलिल्लाह। टाइटस को भी शिकस्त नहीं खाता। मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें कबीले की जिम्मेदारी संभालनी है। तुम्हारे पास मेरी अमानत हो गई है कबीला। बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं सुलेमान। तुम्हारे होते हुए मुझे कोई फिक्र नहीं। मेरी दुआ है कि आप सरफराज लौटें। सूरज की किरणें आप पर गिराना गुजरे, ठंड से महफूज रहे आप, हवा के घोड़े पर जाएं और जल्द वापस आए। बरखुरदार, ये संदूक अब यहीं रहेगा। हजरत, क्या हम इसे अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे? हाजिर हो सकता हूँ मैं। आ जाइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुमुस्सलाम। तुम्हारे कबीले को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। दोबारा मुलाकात होगी आपसे? इंशाल्लाह जरूर होगी। अंदलुस से यहाँ तक बहुत से मकामात पर क़याम पसीर हुए हम, बेशुमार लोगों से मुलाकातें हुई, लेकिन जो इत्मीनान काई कबीले में मिला वह हमें कहीं मयसर नहीं आया। बहुत शुक्रिया, अफसोस है कि मेहमान नवाजी न कर सका आपकी। तुम्हारी मुश्किलात से आगाह हैं हम, लेकिन एक छोटे से बीज से जिस तरह दरख्त बनता है, आलम इस्लाम भी इसी तरह हयात नौ पाने वाला है। अब से सब कुछ तुम्हारे हाथ में है अर्तुरुल, क्योंकि तुम्हें एक खास मकसद के लिए चुन लिया गया है। अल्लाह तुम्हारा हामी मुनासिर रहे हर मुश्किल में, तुम्हें सुरखरू रखे। आमीन। आपका सफर भी आसान हो। ये संदूक भूल गया? मैं तुम्हें बता चुका हूं फरजंद, ये साहिब अमानत तक पहुंच चुका है। फिल वक्त इसे खोलना मत, वक्त आने पर यह खुद खुल जाएगा तुम्हारे लिए। जान सकता हूं क्या है इसमें? इसमें
तुम्हारे लिए एक खास तोहफा है फरसंद। जब कभी अपने आप को बेबस महसूस करना, ये उस वक्त तुम्हारे मकसद की तकमील के लिए तुम्हारी मदद करेगा। आसान नहीं है इसे खोलना। गौरे आबदार को पा लेना इतना सहल नहीं होता फरसंद। जब वक्त आएगा तो तुम इस गौहर नायाब को पालोगे। जी मेरी बहन, सलजान खातून का बहुत ख्याल रखना, ना सिर्फ सलजान का बल्कि हमारे बच्चे का भी। आपको अल्लाह सुरखुरू करे भाई, बिल्कुल परेशान ना हो। हलीमा और हाइमा खानम है मेरे साथ। आपकी वापसी तक बाजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सलामत रहो। हलीमा सुल्तान, कबीले में खुश आमदीद है। दिली मुसर्रत है आपके आने की। शुक्रिया गुंदुक्तु भाई, आपके अल्फाज मेरे लिए एहसास से कम नहीं। सलजान खातून के लिए हम सब मौजूद हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन, सलामत रहें। कैसी तबीयत है आप? सफर बहुत तवील है, आप चाहें तो यहां रुक सकते हैं भाई। ये कैसे मुमकिन है? और वो उस कबाइल मंगोलों के साथ बरसरे पैकार हैं और मैं यहां रुक जाऊं? हमें मुत्तहिद और मजबूत रहना होगा सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह। हम सब साथ चलेंगे ताकि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सके। तुम लोग तैयार हो बमसी? जी भाई, हमेशा तैयार है। जी भाई, कबीला तुम्हारे हवाले।
मेरे परदादा ने ये अंगूठी अपने बेटे की जलबोगा को दी थी। उन्होंने ये मेरे बाबा कयाक के हवाले की और अब ये अमानत मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। मुमकिन है कि मैं वापस ना आ सकूं। जब वक्त आएगा तो ये अमानत कबीले के सरदार के सुपुर्द कर देना। आप खुद ये जिम्मेदारी निभाएंगे सुलेमान। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी बाजी। चाहे कितनी ही खताकार हो आप, कोई हक नहीं पहुंचता था मुझे। बहुत बुरा किया मैंने आपके साथ। ना जाने गुस्से में मैंने आपको क्या क्या कह दिया बाजी। मैं आपसे माफी मांगती हूं। आपने तो मां की तरह पाला है मुझे। कभी किसी दुख को करीब नहीं आने दिया। बाजी वापस आ जाए कुंदोक तो भाई की खातिर, अपने होने वाले बच्चे की खातिर। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी। सुलेमान शाह ने भी और कुंदोगदो ने भी इसे माफ कर दिया है। बहुत शुक्र है। अब सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा कुकजे। खुदा का शुक्र है कि उसने हमारे दुश्मनों को नीस्त और नाबूद किया। हमें कदर करनी चाहिए अपनी इन पेशबहा खुशियों की जो हमें बहुत कुर्बानियों से मिली हैं। इंशाल्लाह सलजान जल्द सेहतयाब हो जाएगी। अल्लाह इसे सेहत दे। कबीले के दुख का दौर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह।
दिल छोटा मत करो मेरी बच्ची। टाइटस, गुस्ताखी माफ कीजिएगा आका। जो सामान मंगवाया था वो लाए हो? जी ले आया। क्या हालात है? उस्ताद टाइटस, सुलेमान और उसके बेटे फौरात के किनारे कारवान सराय में और उस सरदारों से मुलाकात कर रहे हैं। वह सरदारों से मिल रहे हैं। ये हो क्या रहा है कॉर्नेलियस? ये तुर्क आखिर करना क्या चाहते हैं? सुना है कि वो इत्तेहाद की राह हमवार कर रहे हैं मंगोलों के खिलाफ। लानत हो इन तुर्कों पर। सलजूक के सफीर को भी बुलवाया है वहां। जी उस्ताद आजम, अलाउद्दीन के अकुबाद अपने सालार जलालुद्दीन को सफीर बनाकर भेज रहे हैं वहां। ये इत्तेहाद सिर्फ मंगोलों के खिलाफ नहीं बल्कि सलीबी फौजों के खिलाफ भी खुलेआम ऐलान जंग है। ये मुसलमान अगर एक बार भी गलती से मुत्तहिद हो गए तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा, और ये मैं होने नहीं दूंगा। सुलेमान और उसके बेटे कारवान सराय नहीं पहुंचने चाहिए। मेरे लिए क्या हुकुम है उस्ताद आजम? जमा करो जहां बॉस, मैं अर्तुरुल के ताकुब में जाता हूं। जल्दी जाओ आप।
सूरज गुरूब होने को है, रात यहीं कयाम करेंगे। आसपास का जायजा लेकर आओ। जैसा आपका हुक्म। बहुत दिन हो गए हैं हमें सफर में, आपकी खामोशी नहीं टूटी, हम सबको फिक्र है आपकी, लेकिन सबसे ज्यादा बाबा फिक्रमंद है। खुद को संभालें, फर्ज निभाना ज्यादा जरूरी है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा मेरे भाई। जहन से सलजान का ख्याल नहीं जाता और उस पर टाइटस काफिर का भी। सलजान से अल्लाह आपको दोबारा मिलवाएगा, यकीन है मुझे। और टाइटस का ना सोचे, उसे खुद आपके पास लेकर आऊंगा। जो तकलीफें हैं सलजान और तुंदार ने उठाई हैं, उसकी सजा मिलेगी उसे, भरोसा रखें। बाबा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आइए चले। आ जाओ बेटा, बैठ जाओ। इलाका महफूज है सरदार। टाइटस अभी तक हम पर हमलावर नहीं हुआ, इसका मतलब है कि वो कोई जाल बुनने में मसरूफ है। ठीक कह रहे हैं बाबा, हम पर इस वक्त हमला करने का नतीजा मालूम है उसे, कारवां सराय ही में कोशिश करेगा वो। अल्लाह ने चाहा तो कल सूरज गुरूब होने से पहले कारवां सराय पहुंच जाएंगे। इंशाल्लाह फरजान, इंशाल्लाह। हम तादाद में कम है और जिम्मेदारी बड़ी है, गैर मुतवक्का रास्ता चुनकर टाइटस की चाल को नाकाम बना सकते हैं। उसकी चाल इस बार उसी पर पलटा देंगे बाबा, यह काम बगैर किसी नुकसान के अंजाम देना होगा, मगर पहले बाहिफाजत कारवां सराय पहुंचना जरूरी है। मरहम तैयार है, इसे जख्म पर लगाना होगा फौरन, तबीबा की खास हिदायत है। मैं खुद लगा दूंगी हलीमा, तुम यही रख दो इसे। वालिदा। हलीमा ठहरो बेटी, मुझे तुमसे बात करनी है। हम कालीन के कारखाने को बढ़ाना चाह रहे हैं, शाम से लेकर कोनिया तक हमारे कालीन और पारचाजात की मांग बहुत बढ़ गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुस्तुनतुनिया से भी कुछ ताजर आ रहे हैं कबीले में, जो हमारी मसनूआत खरीदना चाहते हैं। दिली दमीर हलब जाएंगे ताकि मजीद खड्डियाँ खरीद के ला सकें। इसके लिए तो काफी सरमाया दरकार होगा।
वो माल गनीमत जो सलीबियों से हासिल हुआ था उसे इस काम में लगाएंगे। और एक और बात भी है इसके अलावा, सुलेमान शाह और मैं, हम चाहते हैं कि तुम इस कारखाने का इंतजाम संभालो और अपनी महारत से इसे तरक्की दो। तो यानी आज से कारखाने की जिम्मेदारी हलीमा संभालेगी? बिल्कुल सही समझी तुम मेरी बच्ची। तो फिर तो जश्न की तैयारियां करनी चाहिए हमें। बिल्कुल सही कहा तुमने। इंशाल्लाह सलजान की तबीयत भी जब तक संभल जाएगी। खुदा हमारे मर्दों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। एक अजीब सी बेचैनी है दिल में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा हलीमा। आप बहुत थक गई हैं वालिदा, कुछ देर आराम कर लें। मैं संभाल लूंगी कारखाने की सारी जिम्मेदारियां, आप बिल्कुल परेशान ना हो। जीती रहो मेरी बच्ची, आबाद रहो। मैं मरहम लगा देती हूं। तुम दोनों वहां जाओ और तुम लोग अपनी जगह संभालो। दो जांबाज उन झाड़ियों के पीछे भी खड़े करो। सबसे पहले वो हमला करेंगे, उसके बाद तीर अंदाज हमला करेंगे सिपाहियों पर। कोई गलती नहीं। जो आपका हुक्म उस्ताद आजम, अपनी अपनी जगह संभाल लो सब। क्या हुआ? कोई भी नहीं है वहां, अब क्या हुक्म है? तैयारी करो, कारवां सराय जाएंगे हम लोग। हमें आगे जाना है, चलो। कब तक बचोगे अर्तुरुल? तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। तो अगर बानो जीजे किसी और को दिल दे बैठे तो तुम्हारा क्या होगा दुआन? तुम्हारे ख्याल में किसी बहादुर आदमी ने उसे अब तक अपनाने की कोशिश नहीं की होगी? चलो मान लेते हैं कि आदमी उससे डरते हैं, क्योंकि बानो जीजा एक बहादुर और जंगजू है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि उसके वालिद ने किसी बहुत बहादुर और खूबरू नौजवान से उसकी शादी कर दी तो क्या करोगे? अरे क्या हुआ तुम्हें? ये तुमने क्या किया बमसी? मैंने क्या किया? तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है तुर्कुत भाई। ये शर्मीला मुर्गा सारी जिंदगी उससे कुछ नहीं कहेगा, अंदर ही अंदर घुटता रहेगा ये।
अगर मोहब्बत करता है तो कहता क्यों नहीं, वरना हमें इससे उगलवाना पड़ेगा। तुम भी कम नहीं हो बमसी। हमारी तलाश में बेताब होगा टाइटस। कारवान सराय पहुंचने तक वो हमारा ताकुब करेगा। ये उसका आखिरी ताकुब होगा बाबा। सुलेमान कोरकुत। खुशामदीद, बहुत शुक्रिया। ओस कबाइल के सरदारान, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, सलीबियों को पसपा करने पर तुम्हारी और तुम्हारे बेटों की हर तरफ धूम मची हुई है। उनको अब दोबारा अपना लश्कर मुनज्जम करने के लिए सदियों तक सोचना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम्हारे साथ जब तक ये बहादुर बेटे मौजूद हैं, तुम्हें कोई लश्कर जेर नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया कुरकुर, बहुत शुक्रिया। और हाँ, मेरी हमशीरा कैसी हैं? सलाम भेजा है आपके लिए, बहुत याद कर रही थी आपको। कोरकुत भाई भी मौजूद है, मौका देखकर बात करें इनसे। दुआन भाई, इजाजत दीजिए हमें। तुम लोग आखिर चाहते क्या मुझसे? हटो, चलो जरा इसे छेड़ते। रहने दो, अभी हमें दीगर मामला भी देखने। हम कभी फरामोश नहीं कर सकते कि अर्तुरुल ने कैसे हमें एक साजिश का शिकार होने से बचाया। सुलेमान शाह, शुक्रिया आपका। सुलेमान शाह को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि उन्होंने सलीबियों के साथ इत्तेहाद बना लिया है। गलत है ये, और ये शख्स धोखेबाज, बेईमान और पक्का, जो आलम इस्लाम में निफाक का बीज बोते हैं और उसे परवान चढ़ाते हैं। कुद्स में जो हम आजादी के साथ अपनी इबादत नहीं कर सकते, तो उसकी वजह भी यही है। और अब यहाँ आ गए ताकि हमें आपस में लड़वा कर सलजूक रियासत को अपनी साजिशों से तहस नहस कर सके। सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीन होगा मुहाफिज समझकर हमने जिस शख्स को हिफाजत की जिम्मेदारी दी, असल में वो शख्स सलीबियों का आलाकार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सुलेमान शाह, और वो रहे इनके दोनों बेटे गुंदोगदू और अर्तुरुल।
शुक्र है खुदा का कि उसने आपको फतह याब किया। ये फतह आपने अपने फर्जंदान के साथ हासिल की है। सुल्तान अलाउद्दीन के अकबाद ने आपको और आपके फर्जंदान को इस शानदार फतह पर नेक ख्वाहिशात और मुबारकबाद भेजी है। बहुत शुक्रिया आदाब कराते, हमारी तरफ से भी नेक ख्वाहिशात उन तक पहुँचाइएगा। शाम की शहजादी से अक्त की खुशी में हमारी जानिब से यह हकीर सा नजराना सुल्तान अलाउद्दीन के लिए कबूल कीजिए। बहुत शुक्रिया सुलेमान शाह। सुल्तान अलाउद्दीन का निकाह आपकी वजह से मुमकिन हो सका है, जिसके लिए वो आपके मशकूर हैं। सुल्तान की सरपरस्ती और हिमायत आपको हमेशा हासिल रहेगी सुलेमान शाह। अल्लाह राजी हो उनसे। आइए तशरीफ रखिए, बाकी बातें बैठ कर करते हैं। मशरूब लाया जाए ताकि मेरे भांजों की थकान उतर सके। तशरीफ लाइए। अर्तुरुल आ चुका है। सफेद दाढ़ी वालों के सरबरा आज शाम अर्तुरुल से मुलाकात करेंगे। गौर से सुनिए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मैं जानती हूं कि आप लोग दिन रात काम कर रही हैं। कुछ खवातीन पारचा जात बना रही हैं और कुछ कालीन बनाने में अनथक मेहनत कर रही हैं, लेकिन हलब से नई खड्डियां मंगवाने के बावजूद हम अपना हदफ पूरा नहीं कर सके हैं अब तक, जो कि हमारी उम्मीद के बरखिलाफ है। मैं जानती हूं कि आप लोग बहुत थक चुकी हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या हम दोबारा हिजरत करने के मुतहम्मिल हैं? हमारा तैयार करदा सामान हमारी जरूरत के मुताबिक नहीं। हमें ये बात समझना होगी कि सुलेमान शाह हमें जो हदफ देकर गए हैं, उसे हमें हर सूरत वक्त पर पूरा करना होगा। मैं कबीले की कम उम्र बच्चियों को अपना हुनर सिखाने के लिए तैयार हूँ। तादाद बढ़ जाएगी तो काम की रफ्तार भी तेज हो जाएगी। आप सब समझ रही हैं ना? आप करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आसानी करे। बहुत शुक्रिया। हम औरतों की सरदार मुस्तकबिल में यही बनेंगी। सास की हिमायत तो पहले ही हासिल कर चुकी हैं। दर्द में कमी आई बाबा? कुर्दोगलू का दर्द झेलने के बाद यह दर्द कुछ भी नहीं है, यह भी झेल लेंगे। कोनिया के महल से लेकर कायरा के महल तक तुम्हारे और तुम्हारे भाई की शोहरत ने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया है और मेरा दिल खुशी से भर दिया है। तुम्हारी जहानत और काबिलियत मुझसे 10 गुना बढ़कर साबित हुई। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैं सही कह रहा हूं फरजन। सरदारी का नजरिया, हुकूमत का मकसद, ये सब तुम्हें बाखूबी मालूम है। तुम्हारी हिकमत अमली और तुम्हारी सियासी बसीरत को देखते हुए मुझे ये अंदाजा पहले ही हो चुका था। ये तुम ही हो जिसने हमें बताया कि कबीले की हयात में सिर्फ खाना बदोशी नहीं है। मेरे जाने के बाद तुम्हारे कंधों पर होगी कबीले की जिम्मेदारी।
बाबा। तुम्हारा भाई भी ये बात जानता है, वो भी रजामंद है। तुम भी तैयारी कर लो इस जिम्मेदारी के लिए। ये बात तो तय है कि हम कबीले में नई जिम्मेदारियों के साथ ही लौटेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और मददगार हो। आमीन बाबा। तो उसके बाद क्या हुआ? बानो जीजिक ने उस आदमी से भी शादी नहीं की तुर्गुत। हैरत है, आखिर मुंतखिब क्यों नहीं किया किसी को? ऐसा तो नहीं कि वो शादी नहीं करना चाहती? लोग कहते हैं वो किसी को दिल दे बैठी है। ये बात है, कौन है वो खुशनसीब? अर्तुरुल भाई को देखा है तुम लोगों ने? वो आ रहे हैं सामने। दुआन कहाँ है? वो जंगी मशकें करवा रहा है यहां के सिपाहियों को। और जैसा आपने कहा था कि अगर यहां पर कोई सलीबी निकल आए तो हैरानी की बात नहीं। मैं और बमसी जाकर अतराफ का जायजा लेकर आते हैं। क्या खबर वो मलून टाइटस यहीं कहीं घात लगाए बैठा हो। मोहतात रहना। जैसा आपका हुक्म। जो आपका हुक्म। तुर्गुत, मुझे ये अफसिन पाशा एक आंख नहीं पाता, खास तौर पर जब ये भाई के साथ राजदाराना अंदाज में बातें करता है। बहुत गुस्सा आता है, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। आ जाओ। आपको तन्हा अंदर जाना है। आप साथ क्यों नहीं चलेंगे अफसिन पाशा? ये मर्तबा मुझे हासिल नहीं है। जाइए। आप इत्तेहाद की बात करते हैं, अगर ये इत्तेहाद ही ना रहा तो सोचें जरा, हम अकेले क्या कर सकेंगे? फतह खुदावंद कुद्स की होगी। कोई शक नहीं तुम्हारी इस बात में, अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा 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 बाबा